नमस्ते किसान भाइयों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एडवांस पेस्टिसाइड का, जो फर्टिसिल ये रेंज आती है उसी में नैनो फर्टिलाइज़र 0-55-35 ये जो ग्रेड आती है अंडर FCO कंट्रोल, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 16-16-12 और 20-50-0 ये इन दोनों ग्रेड के बारे में बात की थी, तो आज हम इस सेशन में 0-55-35 ये जो ग्रेड आती है नैनो फर्टिलाइज़र की, इसे में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है और सल्फेट और क्लोराइड फ्री ये जो ग्रेड है, तो इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। अभी जो आप प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट के ऊपर हम लोगों ने ये जो ग्रेड है फर्टिसिल की, नैनो फर्टिलाइज़र की, जैसे कि 16-16-12 इसका भी इस्तेमाल शुरू में किया था, बाद में 20-50-0 ये जो ग्रेड आती है इसका भी इस्तेमाल किया था, और हाल ही दिन में कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके ऊपर 0-55-35 ये जो ग्रेड आती है नैनो फर्टिलाइज़र की एडवांस पेस्टिसाइड की फर्टिसिल के अंडर, तो इसका भी हमने छिड़काव लिया है इसके ऊपर। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बेहतर रिजल्ट निकल कर आए हैं या क्या हमें फ़ायदा हुआ है, ये देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अभी तक तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अभी आप प्लॉट देख रहे हैं टमाटर का, तो और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से कंटेंट आते हैं। ये जो 0-55-35 ये जो ग्रेड है, ये न्यूट्रिएंट से खचाखच भरा हुआ ऐसा प्रोडक्ट है नैनो फर्टिलाइज़र। तो जानते हैं ऐसा क्या क्या है इसमें। इसमें नाइट्रोजन जो है वो 0% आ जाता है, फॉस्फरस पी एज अ P2O5 वो 55% आ जाता है, बाद में पोटेशियम के एज अ K2O ये 35% आ जाता है, बाद में जिंक जो है चिलेटेड EDTA वो 1 PPM आ जाता है, बोरॉन की मात्रा भी इसमें है वो 20 PPM आ जाती है, फेरस की जो मात्रा है एज अ चिलेटेड EDTA वो 12 PPM आ जाती है, कॉपर एज अ चिलेटेड EDTA 12 PPM आता है, बाद में मैग्नीशियम जो है वो चिलेटेड एज अ EDTA वो 12 PPM आ जाता है, बाद में कैल्शियम एज अ चिलेटेड EDTA वो 10 PPM आ जाता है, मैंगनीज जो है वो चिलेटेड EDTA वो 1 PPM आ जाता है, और सबसे बेहतरीन मोलेब्डिनम वो 0.5 PPM आता है। ऐसा बहुत ही रिच प्रोडक्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से और न्यूट्रिएंट के हिसाब से। तो जानने की कोशिश करते हैं आगे कि हम कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोगों ने कितनी मात्रा में इस्तेमाल इसका किया है ये आपको मैं बताता हूँ। हमें अगर अपने फसल को ये प्रोडक्ट देना हो तो हम ड्रिंचिंग के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या फिर स्प्रे के माध्यम से, हम दोनों माध्यम से दे सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रिंचिंग के माध्यम से अगर हम देना चाहते हैं तो 1 लीटर से लेकर 1 लीटर 250 ml तक हम इसको ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं प्रति 40 घंटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम लोगों को छिड़काव के माध्यम से अगर देना हो इसको तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आते हैं। अभी जो आप प्लॉट देख रहे हैं टमाटर का, इस प्लॉट के ऊपर हम लोगों ने 35 दिन के बाद इसका छिड़काव लिया था, स्प्रे लिया था, तो अभी इसमें कलियाँ निकलना शुरू हो गई आप देख सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हमें तो मिले हैं। हम इनके शाखाओं के अगर साइज़ देखेंगे, टमाटर की जो फसल है इसमें शाखाओं की जो साइज़ है वो बहुत ही बेहतर निकल कर आई है, और कैनोपी अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन अभी इसकी आई है। जब हम इसको स्प्रे ग्रेड में इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो पार्टिकल रहते हैं वो बहुत ही, इसके ड्रॉपलेट जो रहते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के रहते हैं, तो अपने पत्तों के जो पनरंध्र रहते होल रहते आसान भाषा में, तो उसके उसमें से आसानी से अंदर जा सकते हैं। जब हम लोग ड्रिंचिंग के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्लोराइड और सल्फेट फ्री ऐसा फर्टिलाइज़र हम लोग अपने फसल को देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और उसमें से जब क्लोराइड और सल्फेट, जब सोडियम जब हमारी खेती में आ जाता है तो हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाती है। दोनों के दोनों जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फ़ायदा है कि ये फर्टिलाइज़र जो है वो सल्फेट फ्री, सॉरी
सोडियम फ्री और क्लोराइड फ्री ये फर्टिलाइज़र है, तो ये बहुत ही बड़ा इसका फ़ायदा है। और नैनो फर्टिलाइज़र होने की वजह से कम मात्रा में हम इसको दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट निकल कर आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है कहाँ मिलेगा इसके जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। जहाँ पर कृषि के साहित्य मिलते हैं, पेस्टिसाइड मिलते हैं, ऐसे कृषि सेवा केंद्र में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो मैं मेरा नंबर आपको बॉटम में दे दूँगा, तो उसके ज़रिए से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर इंडिया मार्ट के ऊपर भी अभी अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नए नए विषयों पर हम जब बात करते हैं तो उस विषयों के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। और धन्यवाद किसान भाइयों पूरा वीडियो देखने के लिए।